प्रदेश सरकार द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ 24 अगस्त से 31 अगस्त तक चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद में 6 अभियुक्तों के ऊपर कार्यवाही की गई, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि शासन के निर्देश पर 24 अगस्त से 31 अगस्त तक जनपद में अवैध ड्रग्स तथा अवैध शराब पर प्रभावी रोकथाम हेतु चलाए गए विशेष अभियान में गोरखपुर पुलिस के विभिन्न थानों से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 6 अभियुक्तों के ऊपर कार्रवाई की गई, जिनके पास से 25 किलो 800 ग्राम गांजा लगभग जिसकी कीमत 1,65,575 रुपए तथा अवैध शराब बिक्री करने वाले 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 160 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब जिसकी कीमत 39,575 रुपए है बरामद किया गया। साथ ही अवैध मादक पदार्थ शराब की बिक्री तस्करी तथा अन्य अपराधों में सक्रिय 9 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, निर्देशों के क्रम में विगत एक सप्ताह में मादक पदार्थों और उसकी तस्करी करने वाले अपराधियों के खिलाफ सघन अभियान चलाया गया है। इसमें विशेष रूप से जो गांजा व्यापारी हैं, इसके साथ साथ जो हुक्का बार चल रहे थे, उनके ऊपर कई कार्रवाइयाँ जनपद गोरखपुर में विगत दिनों में हुई हैं। साथ ही साथ जो इन अपराधों में लिप्त जो अपराधी हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है। उनके ऊपर जो हमारी कानून में जो कार्रवाइयाँ हैं, जिसमें कि हिस्ट्री शीट खोलना, गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करना, उनकी संपत्ति के बारे में जानकारी करके धारा 14(1) के तहत उसको जब्त करना, इन सभी के जो है रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं। उनके जो पुराने अपराध हैं, इस समय पर उनकी क्या स्थिति कोर्ट में है, क्या न्यायालय में किस स्टेज पे वो चल रहे हैं, उसके बारे में जानकारी करके जल्द से जल्द उनको सजा कराना, और इस पूरे नेटवर्क में जो लोग संलिप्त हैं, जो लोग इन अपराधियों का सहयोग करते हैं, उनकी जानकारी करके कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आने वाले दिनों में ये अभियान इसी तरह से चलता रहेगा और मादक पदार्थों के खिलाफ जो शासन का जो निर्देश है, शासन की जो मंशा है, उसके अनुरूप ही इसमें और सख्त कार्रवाई आने वाले दिनों में की जाएगी।